Hello friends, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 3, classification of element and periodicity in the properties of the elements. पिछले पार्ट के अंदर हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या आप कह सकते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि भाई उसके अंदर क्या होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, एंड 18 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ठीक है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स. एंड देन वी टॉक अबाउट दैट हाउ कैन वी फाइंड द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, वेदर इट इज मीन्स आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है किसी भी एटॉमिक नंबर का, आप उसकी सेल सेल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कीजिए और फिर उससे आप ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता सकते हैं. हमने बताया था पीरियड नंबर टेल्स अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द पीरियड नंबर. पीरियड नंबर इज इक्वल टू द ऑर्बिट और सेल अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, ठीक है. तो पिछले चैप्टर के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हमने बताया था कि जो पीरियड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, और इसमें जो होते हैं वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होती है. इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का मतलब है भाई उनके जो आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, किसमें, ग्रुप्स में, और आउटरमोस्ट सेल में जो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसमें होते हैं, पीरियड्स में होते हैं. तो जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन मीन्स आउटरमोस्ट सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम अलग अलग पीरियड में रखते हैं, और जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, ठीक है, और सभी सेम सेल होती है और उसको हम किसमें रखते हैं, सेम पीरियड में रखते हैं, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है. तो ये करने के बाद हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, कि जो आपके पता है कि भाई जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है वो 92 है, ठीक है, 92 है. 92 के बाद जो और जितने भी एलिमेंट बने हैं मीन्स 118 एलिमेंट तक तो बने हैं, उन एलिमेंट्स में क्या है 120 से ऑनवर्ड्स जो है वो सभी क्या है, वो ह्यूमन मेड है, ठीक है, ह्यूमन मेड है. तो ह्यूमन मेड एलिमेंट्स को बनाया है तो वो अलग अलग लोग जो कि वर्ल्ड में चारों तरफ क्या चल रहा है, मीन्स लेबोरेटरी वर्क चलता रहता है, कोई ना कोई साइंटिस्ट इस तरीके के एलिमेंट बनाते रहते हैं, ठीक है. तो अगर क्या करते हैं दो साइंटिस्ट हैं किसी दो डिफरेंट कंट्रीज के और उन्होंने सेम एलिमेंट डिस्कवर कर लिया बाय यूजिंग रेडियोएक्टिविटी और एनी अदर मेथड, तो दे विल जस्ट ट्राई टू नेम दिस एलिमेंट आफ्टर देयर वर्क, देयर कंट्री और देयर नेम, ठीक है. उस एलिमेंट को वो अपने नाम अपने देश से डिनोट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री चलती है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो IUPAC क्या करती है, कंट्रोल करती है. तो IUPAC ये बताती है कि भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इट इज द फुल फॉर्म. IUPAC जो होती है उसने बोला कि भाई ऐसा काम करते हैं जब तक किसी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस या उसकी रियल प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं चल जाती तब तक हम एक अल्टरनेटिव निकालते हैं. अल्टरनेटिव निकालने का मतलब है कि उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए, बोले कि भाई इनको यूज करके आप अगर 100 से ऊपर का कोई भी एलिमेंट आता है तो आप उससे ऊपर का मीन्स उस नोटेशन को यूज करके उस एलिमेंट का सिंबल लिख सकते हैं, तब तक IUPAC से कोई नेम अप्रूव नहीं हो जाता है, ठीक है. तो IUPAC ने कुछ टर्म्स दी थी जिनको यूज करके हम उनका नोमेनक्लेचर मतलब उनके नाम सिंबल बता सकते हैं. नाम और सिंबल जो होता है, सिंबल के लिए तो उनके फर्स्ट लेटर यूज किए गए थे और नेम के लिए भी 3, ठीक है. देखिए यहां पर क्या दे रखा है, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, जैसे नामकरण करते हैं किसी बच्चे का उसी तरीके, ठीक है.
ठीक है, ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा होता है, तो उन्होंने बताया था कि अगर जीरो आता है, उसके नाम पे जीरो आता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अगर डिजिट जीरो आता है, ये डिजिट हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हो गया नेम और ये हो गया एब्रिविएशन। एब्रिविएशन में क्या आता है भाई, तो जीरो के लिए लिखते हैं निल, इसके लिए आ जाएगा एन, इसके लिए लिखते हैं अन, इसके लिखते हैं बाई, इसके लिए लिखते हैं ट्राई, इसके लिखते हैं क्वेड, इसके लिए लिखते हैं पेन, इसके लिए लिखते हैं हैक्स, इसके लिए लिखते हैं हैक्स पेन, एक ऐसे होएगा हैप, तो इसके लिए लिखे लेंगे हम सेप, ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा इन। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर यहाँ पर एब्रिविएशन में ले लेते हैं, जैसे निल में फर्स्ट लेटर एन आया तो यहाँ पर एन ले लिया, अन में यू आ गया, बाई में बी आ गया, ट्राई में टी आ गया, क्वेड में क्या आ गया क्यू आ गया, पेंट में पी आ गया, हैक्स में एच आ गया, सेप में एस आ गया, ऑप्ट में ओ आ गया, इनमें ई आ गया, ठीक है। तो ये आपके चार क्या आ गए, 9 एब्रिविएशन आ गए। तो सपोज करो, और जब हम इसका क्या लिखते हैं नेम में, वाइल राइटिंग द नेम, IUM is added, ठीक है, जैसे आपको क्या करना है 11102 का नाम लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा अन नील टू के लिए बी बी आई और यूएम अन नील बी एम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये तो हो गया इसका नेम, ठीक है, और सिंबल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा इसका जो आपका आ रखा है यू आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तो ये आ जाएगा यू एन बी। आप बुक के अंदर इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आईपीसी ने इनके ऑफिशियल नेम भी देते हैं, अगर किसी को ऑफिशियल नेम याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से सिंबल लगा सकते हैं। इसका ऑफिशियल नेम है नोबेलियम, एन ओ 102 का क्या है नोबेलियम है, That is NO, लेकिन अभी most of the element जो है जो 118 तक है वो officially announce नहीं किए गए हैं, कुछ scientist उनको अपने नाम और अपने देश अपनी कंट्री के नेम से उनको denote कर रहे हैं, लेकिन IUPAC ने अभी उसका कोई recommendation या उसको अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि भाई अगर एक से मतलब 101 to 118 तक आप ये एलिमेंट लिख सकते हैं, जिसमें कोई भी आपका क्या आता है कोई भी इमेजिनरी एलिमेंट ले लो, जैसे 125 ले लिया हमने, 125 का हमें क्या लिखना है सिंबल लिखना है और नेम लिखना है यूजिंग द नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ द एलिमेंट्स अबव द विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, तो क्या करेंगे, 1 के लिए आता है अन, इसके लिए आता है बाई पेंट, इसके लिए आता है पेंट, तो पेंटियम अन बाई पेंटियम, अन बाई पेंटियम हो गया, और ये तो हो गया नेम, और सिंबल क्या हो जाएगा इसका, सिंबल हो जाएगा इसका यूबीपी अनबियम पेंटियम, ठीक है, अनबाई पेंटियम। इस तरीके से आप जितने भी एलिमेंट्स हैं मतलब 100 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आप सिंबल्स लिख सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो इसके करने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल, कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके अंदर 118 एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पर हम उनको अलग अलग ब्लॉक्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिससे ब्लॉक वाइज पीरियडिक टेबल को ब्लॉक वाइज याद करने में हमें क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, ब्लॉक वाइज हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
द एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उनको ब्लॉक्स के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखो, एक तो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर एक होल पीरियडिक टेबल को कंसिडर करते हैं और ब्लॉक वाइज पीरियडिक टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के बेस पर, ठीक है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल किस सबसेल के अंदर जाता है, ठीक है, किस सबसेल के किस ऑर्बिटल में जाता है, उसके बेस पर एलिमेंट्स को फोर ब्लॉक्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हर एक ब्लॉक्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आई विल नॉट गिव यू द ट्रिक टू लर्न दिस, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक ऑन द इंटरनेट, यू कैन सर्च देम, ठीक है, व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग ऑन दिस ट्रिक्स, जस्ट यू हैव टू लुक एट द लॉजिक, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो पीरियड होते हैं, पीरियड के अंदर क्या होता है, इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन पीरियड्स In periods, all the elements have different numbers of electrons in their outermost shell. ठीक है, outermost shell में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं period के अंदर, इसलिए period के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। बट इन ग्रुप्स क्या होता है, इन ग्रुप्स ऑल द इन ए पार्टिकल ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, कि भाई पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी बेस पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि एस ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर एस सब सेल आएगा, तो एस सब सेल के अंदर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल, आर कोल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल आर कोल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट एंड इन एस ब्लॉक एलिमेंट देयर आर टू ग्रुप्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप होते हैं, टू ग्रुप्स क्यों होते हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल एस सबसेल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है NS1 to 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप
जो सेकंड ग्रुप होता है उसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है NH2। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल्स। और जो सेकंड ग्रुप होता है पी ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स का उसको बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलीन अर्थ मेटल। तो क्या होता है अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं कि भाई, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अल्कली बनाते हैं। मतलब उनके ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये अर्थ क्रस्ट में मोस्टली ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही मिलते हैं, इसलिए इनको अल्कलीन अर्थ मेटल, क्योंकि अर्थ से ही ये अल्कलीन फॉर्म में आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है एक फॉर्मल वे में, सो दैट यू कैन मेक सम नोट्स। ठीक है, इनको अगर आप वीडियो देखते हैं उसको अगर समझ लेते हैं तो आप फिर आप बुक्स उठाइए, बुक्स में से नोट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वेन एवर यू जस्ट फिनिश अप और यू जस्ट वांट टू रिवाइज दिस चैप्टर यू हैव टू क्विक रिविजन ऑन योर नोट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम बता रहे थे कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है और सेकंड ग्रुप होता है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कम्स अंडर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट एंटर द एस ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सॉरी सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है आपका, सेकंड ग्रुप इसके अंदर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, ये जो होता है रेडियम इट इज आल्सो रेडियोएक्टिव। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। ये मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे ये लिथियम मेटल ये क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप के लिए हमेशा प्लस वन होती है और सेकंड ग्रुप के लिए क्या होती है, सेकंड ग्रुप के लिए इट इज प्लस टू। ठीक है, हमेशा ये कैटाइन और प्लस वन कैटाइन और प्लस टू कैटाइन बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं कंपाउंड्स आयनिक होते हैं एक्सेप्ट ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ठीक है, आया समझ में, लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयनिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको बता सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ दी जो एलिमेंट होते हैं ओनली दिस एलिमेंट सो द फ्लेम टेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा सीजियम तो करता है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन थेरेपी सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिस तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी जिस तरीके से आपने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका जिन एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उनको एस ऑर्बिटल बोलते हैं। और एस सबसेल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई देयर आर टू ग्रुप, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ओके, ग्रुप वन को हमने क्या बोला था, अल्कली मेटल बोला था। ग्रुप सेकंड को हम अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, हमने उनको अल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। और ग्रुप सेकंड को
कि अर्थ क्रस्ट में वो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनको वाटर में डिसोल्व करके आपको एल्कली मिल जाते हैं, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि भाई क्या होता है, जिन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर सारी चीजें क्या कर ली, कंपाइल अप कर ली अबाउट द पीरियडिक टेबल, अबाउट द एलिमेंट, देन यू विल नॉट अफ्रेड ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री विल बी योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस। इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग और यू आर नॉट गेटिंग, देन यू हैव टू लुक इट अगेन एंड अगेन अंटिल यू जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जिन ऑर्बिटल्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, एंड इन ए पी सबसेल देयर आर टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कितने हो गए, 6 ग्रुप्स हो गए, और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये आपको याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज NP1-6, मतलब जो N का मतलब कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकती है और P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1-6 तक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ग्रुप नंबर होते हैं, ग्रुप नंबर कहां से 13-18, दिस कम्स अंडर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं कहां से 13-18 तक, ठीक है। तो 13 वाला जो होता है, 13 आपको पता होना चाहिए, 13, 14, 15, 16, 17 and 18, ठीक है। इसमें तो आता है बोरोन फैमिली, इसमें कार्बन फैमिली, इसमें नाइट्रोजन फैमिली, इसमें ऑक्सीजन फैमिली, इसमें हैलोजन फैमिली दैट इज F, और इसमें हीलियम, ठीक है। जो ग्रुप इसको हम हैलोजन बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, इसका मतलब इनको हम सोल्ट से प्रोड्यूस, जो ग्रुप 17 होता है इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं, इसको नोबल गैसेज बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप 14 को कार्बोजन भी बोलते हैं, ग्रुप 16 को इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, कौन कौन से, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ठीक है। इसमें होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। इसमें होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीबनी, बिस्मथ, इसमें होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम क्या होता है, रेडियोएक्टिव होता है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसमें होता है हीलियम, ये इसके ऊपर होता है, इसके बाद न्यून आता है, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, और ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये हम बाद में बता देंगे, आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की।
ठीक है, फिफ्थ ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। इनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो फिफ्थ ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है, एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है, ठीक है। और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मीन्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और ऑटोमोस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होता है 13 ग्रुप के लिए होता है वो NP1 होता है, ये NP2 होता है, ये NP3 होता है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन कर लो NS2 NP6, ठीक है, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, ठीक है, और NS2 NP6। तो यहाँ पर जो ऑटोमोस सेल होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है नोबल गैसेस के लिए, दैट्स मींस ग्रुप 18 के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रेनाइट गैसेस और नोबल गैसेस। तो यहाँ पर आपको फिफ्थ ब्लॉक एलिमेंट्स में इतना ही लिखना है कि भाई ये क्या होते हैं, कौन से नंबर से कौन से ग्रुप तक ये आते हैं और क्यों इसमें 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप के एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर आप 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 यूज करके हर एक एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। दिस नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स बिकॉज दिस नंबर कैन बी यूज टू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द मैन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स और मैन ग्रुप एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, SNP ग्रुप्स एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है वो लेफ्ट हैंड पर होता है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो राइट हैंड पर होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, यहीं तक करेंगे आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक। इसमें आपको जितना बताया गया उतना आपको नोट डाउन करना है, उतना आपकी बुक से पढ़ना है। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई भी सजेशन रहता है वो भी आप बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहे और आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीट होता रहे, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।